वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मायसेल्फ अभिषेक शर्मा और मैं सिविल एकेडमी का चेयरमैन हूं। मेरे पास 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है आईएएस एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाने का। इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकनॉमी, करंट अफेयर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। और ये क्लास हमने जो आपके लिए अरेंज की है, ये पिछले एक साल के जो भी करंट अफेयर हुआ है, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स, उनके बेसिस पर एमसीक्यू के प्रैक्टिस की क्लास है। और ये इस क्लास का पाँचवा एपिसोड है। चार क्लासेस में पहले एमसीक्यूज की लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर में से ले चुका हूँ और ये 5वीं क्लास है। आगे जो एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का आपका होने वाला है संडे को, उसके लिए ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद और स्पेशली आज की क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए निकाले गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी रहेंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन तो शायद लग ही जाएगा। आज हम 30 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, 30 से 30 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस में से आज शायद एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँ और ज़्यादा मिल जाएँ। वैसे भी यूपीपीसीएस में करंट काफ़ी आता है, तो इसलिए करंट अफेयर वैसे भी यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है मैं क्लास को आगे शुरू करता हूँ। एक बार वॉइस टेस्ट हो जाए, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है तो मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन हैं, 33 के आसपास क्वेश्चन हैं, पहले करते हैं। कल फिर बच्चों मैं एमसीक्यू की क्लास भी लूँगा, जीएसएमसीयू की क्लास की प्रैक्टिस कल भी कराऊँगा और कल फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊँगा पास्ट के 1 ईयर से। मेरी कोशिश है जितने ज़्यादा करा करके भेज दूं उतना अच्छा है। कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आवाज़ क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप लोग लाइक और शेयर करके सेशन को भेज दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मे भी शायद सो गए होंगे, उनका एग्ज़ाम है तो वो सो गए होंगे, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, कुछ को जगा दीजिए आप लोग लाइक शेयर करके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत चांसेस हैं आने के। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर्म टू कॉमरेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? काफ़ी ग्रैंड लेवल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो वो जो कमेटी जो ये सब अरेंजमेंट कर रही है, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो अहमद ने आंसर दे दिया है, फर्स्ट का सी, शालू का सी, बुलबुल का सी, अंजनी का अंजनी ने अभी तो ये पूछा मैं कैसा हूँ अंजनी, आई एम गुड, बहुत अच्छा हूँ अंजनी। और कुमार, गुड इवनिंग कुमार, सी। तो ज़्यादातर बच्चों का सी है। सभी लोग कह रहे हैं यशस्वी जी जो हैं, यशस्वी जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यस, यशस्वी जी जो हैं वो समिति के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ठीक है, यस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर याद रखना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो ही गया, यशस्वी जी हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन फेबररी 2021, इसी साल की फेबररी की न्यूज़ है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन फेबररी 2021 अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। WTO की सबसे बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल की, तो कौन बना है WTO का डायरेक्टर जनरल? फरवरी 2021 में इसी साल बना है कोई। WTO का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? WTO का डायरेक्टर जनरल, नया डायरेक्टर जनरल बना है WTO का, कौन बना है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसी साल बदला गया है डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो अहमद का आंसर बी है, शालू का बी है, यामिनी का बी है। ज्यादातर बच्चों का आंसर बी आ रहा है, ज्यादातर बच्चों का आंसर बी है। मेरा भी आंसर बच्चों बी ही है, बिल्कुल सही। नगोजी ओकोंजोइवेल हैं जो कि लेडी हैं, शी इज लेडी, नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया की लेडी हैं। तो खास बात ये, अफ्रीकन हैं, लेडी हैं और WTO की हेड बनी है। अफ्रीका से WTO का हेड बनना बड़ी बात है। तो नाइजीरिया से हैं और ये हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शी इज द न्यू WTO हेड, WTO की नई डायरेक्टर जनरल जो बनी है, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, नगोजी ओकोंजो, याद रख लीजिएगा, ठीक है, नगोजी ओकोंजो। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर थोड़ा रैपिड करेंगे क्योंकि 33 क्वेश्चंस हैं। यस बुलबुल नाइजीरिया से हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 वॉज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाया गया, इंडिया ने अपना इनोवेशन इंडेक्स बनाया क्योंकि वर्ल्ड के इनोवेशन इंडेक्स में तो हम बहुत पीछे हैं, तो इंडिया ने अपना एक इनोवेशन इंडेक्स बनाया है 2.0। किस डिपार्टमेंट ने, किसने बनाया है इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स 2.0? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 किस ने बनाया है भारत में, किस मंत्रालय या किस डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया है, किसने बनाया इंडिया में? जिसने अभी तक शेयर ना किया हो सेशन को लाइक शेयर कर दो, जिससे कुछ बच्चे और कनेक्ट हो जाएं जिन्हें पता ना हो। वो सोच रहा हूँ कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं पहली ही क्लास हुई है, बस एक ही होती है ना रोज ना हो तो। यस यस अहमद बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज बी। यस राइट आंसर इज बी, नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 नीति आयोग ने बनाया है। मनीष मैं बढ़िया हूँ मनीष, एकदम बढ़िया। नीति आयोग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 नीति आयोग ने बनाया, बिल्कुल सही जवाब, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब इसमें पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ महाराष्ट्र वॉज द बाला साहब ठाकरे गोरवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क इनॉग्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021 को बाला साहब ठाकरे के नाम पर इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क बना है किस शहर में? महाराष्ट्र के किस शहर में इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क बाला साहब ठाकरे के नाम पर बनाया गया इसी साल 26 जनवरी 2021 को, कहाँ? थैंक यू निशांत, सो नाइस ऑफ यू। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। यस कहाँ बनाया गया है? जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी करेंगे, कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमें करंट अपना ज़्यादा रिवाइज करना है कि कोई भी आ जाए तो। बिल्कुल सही, याद रखना बच्चों, नागपुर में बनाया गया है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क इनॉग्रेट किया गया है नागपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द 24th हुनर हाट। अभी IES का जो एग्जाम लास्ट हुआ है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें UPSC ने भी हुनर हाट पर क्वेश्चन पूछा था और यूपी में बहुत चांसेस हैं हुनर हाट पर क्वेश्चन आने के। विच सिटी होस्टेड द 24th हुनर हाट बीइंग फ्रॉम 22 जनवरी टू 4 फरवरी 2021। 24वां हुनर हाट कहाँ हुआ? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें शायद 20वां हुनर हाट पूछा गया था। 24वां हुनर हाट कहाँ हुआ, 24th हुनर हाट कहाँ हुआ, जिसमें जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को उनकी एग्जीबिशंस लगवाई जा रही है, उनको व्यापार दिलवाया जा रहा है। 24वां हुनर हाट कहाँ हुआ? यस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में हुआ, इसलिए UPPCS में पूछने के चांसेस हैं। अलग अलग शहरों में हो रहा है, 24वां लखनऊ में हुआ है, 24th लखनऊ में हुआ है। IES में जयपुर वाला पूछा था, UPPCS में लखनऊ वाला आ सकता है 24वां। या तो ये आ सकता है कि लखनऊ में जो हुनर हाट हुआ वो कौन सा था, 20वां, 21वां, 22वां, 24वां, इस तरह से पूछ लेगा, नंबर भी याद रखना। या पूछ सकता है 24वां कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। यस ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state or union territory has launched India's first online waste management platform? किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने, मतलब कि ये तो सारे स्टेट ही हैं, तो किस स्टेट ने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस स्टेट ने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया गया, किसने लॉन्च किया? 7th का आंसर, बुलबुल का आंसर आ चुका है ए, अहमद का ए, मधु का ए, शालू का ए, लेपाक्षी ए, निशांक ए, सभी ए कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, ए फॉर आंध्र प्रदेश भी तो होता है। सही कह रहे हो तुम लोग, ए से ए मैच भी हो रहा है, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर एप्पल, बस यही सही है। अंजनी इट्स ए, इट्स आंध्र प्रदेश। ऐसा नहीं अंजनी हर चीज़ में गुजरात आ गया है, कुछ में तो और स्टेट को भी तुम आगे निकलने दो। अंजनी मैं मानता हूँ तुम एक अच्छे पक्के गुजराती आदमी हो, लेकिन फिर भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दो, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दो। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन रेलवेज हैव रीनेम्ड व्हिच ट्रेन एज नेताजी एक्सप्रेस। 125वीं जयंती पर नेताजी की एक ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया। किस ट्रेन का नाम, किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? आ सकता है क्वेश्चन, देखो करंट में है ना। 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सी ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? जो आज की क्लास छोड़ रहे हैं मिस कर रहे हैं, आज की क्लास में काफी मसाला है। नेताजी एक्सप्रेस किस ट्रेन का नाम रखा गया है? यस, राइट आंसर इज ए बच्चों, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम रेलवे मिनिस्ट्री ने नेताजी एक्सप्रेस रखा है। हावड़ा कालका मेल इज द राइट आंसर, हावड़ा कालका मेल इज द राइट आंसर। यस यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जो 2021 की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई वो 29 जनवरी 2021 को हुई, ठीक है। 26 जनवरी के 3 दिन बाद शाम को जो होती है, शाम को जो सेरेमनी होती है उसमें बैंड जो होता है सेना का वो म्यूज़िक भी बजाता है, लोग बैठते हैं राजपथ पर, तो रायसेना हिल पर। तो 29 जनवरी 2021 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई, किस हिस्टोरिकल इवेंट की याद में हुई? किस हिस्टोरिकल इवेंट की याद में हुई है ये सेरेमनी? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो हुई है वही 26 जनवरी के 3 दिन बाद होती है, तो किस हिस्टोरिकल इवेंट की याद में हुई? 1971 की इंडिया की पाकिस्तान पर जो विक्ट्री थी, इंडिया की पहले सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था उसकी याद में, या ग्रीन रेवोल्यूशन की याद में? शालू का आंसर सी है, अटल बिहारी वाजपेयी, और बाकी सबका आंसर ए है। मधु का भी आंसर अटल बिहारी वाजपेयी है, अहमद का आंसर है 1971 विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। यही सही है बच्चों, 1971 विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। और इसी विक्ट्री ने तो बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया ना, इसी विक्ट्री ने बांग्लादेश को भी आज़ाद कराया था, इसी विक्ट्री से बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन लगाओ 71 और 2021। वैसे भी 50 साल का रिलेशन बैठ रहा है ना, 50 इयर्स का रिलेशन है। चलिए, तो याद रखना जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई वो भारत पाकिस्तान की, या कि भारत की पाकिस्तान पे जो 71 की जीत थी उसकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन का आंसर दो, 12वें क्वेश्चन का आंसर दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं आर माधवन ने जो है अनाउंस किया था कि इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो एडवांस्ड वर्जन है वो 2022 में लॉन्च होगा। इसका नाम क्या होगा? जो नया तेजस तो है ही, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलएसी इंडिया का तेजस है, अब इसका एक एडवांस वर्जन अगले साल आ रहा है 2022 में। इसका नाम क्या रखा गया है? जो एडवांस वर्जन है तेजस के, एडवांस वर्जन का नाम क्या है? तेजस के एडवांस्ड वर्जन का नाम क्या है? तो अहमद का आंसर है बी, शालू का आंसर है सी, कुमार का आंसर है बी, यामिनी का आंसर है सी। बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है बच्चों को कि इसका जो है नाम क्या है। एक बार चेक कर लेना, मुझे पता नहीं, आई थिंक जो मेरे पास जो आंसर है उसके हिसाब से इट्स तेजस मार्क 2, पर मैं MK2 में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक बार गूगल कर लेना, वैसे शायद तेजस मार्क 2 इसका आंसर है, तेजस मार्क 2। मुझे भी एक बार को कन्फ्यूजन तेजस MK2 के साथ हुआ था, MK2 के साथ हुआ था, बट आई थिंक ये तेजस मार्क 2 है। आंसर है तेजस मार्क 2, इन्हीं दो में कन्फ्यूजन चल रहा था। इट्स तेजस मार्क 2, ठीक है। तेजस मार्क 2। फिर भी एक बार गूगल कर लेना यार जरा, तेजस मार्क 2 डाल दो, ऐसी आ जाएगा एकदम से LAC एडवांस वर्जन। ठीक है, कोई गूगल करे तो बता देना। 13 क्वेश्चन, वैसे तेजस मार्क 2 है अभी, ये आंसर मान के चलो। 13 क्वेश्चन का आंसर बताओ, 13 क्वेश्चन का आंसर बताना। नॉर्थ सी के अंदर अभी एक कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो एनर्जी आइलैंड बनाएगी। एक देश ने अभी अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाएगी। मार्क 2 है ना, ठीक है कोमल, थैंक यू कोमल। तभी कंफ्यूजन हो रहा था जीनियस, वही MK2 और उससे कंफ्यूजन हो रहा था। मार्क 2 ही है ना वो, ठीक है। नाउ अभी एक कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाएगी। कौन सी कंट्री है? नॉर्थ सी में बनाएगी। नॉर्थ सी से अंदाजा लगा लो, नॉर्थ सी में बनाएगी। अब नॉर्थ सी से भी अंदाजा कैसे लगाओगे, आसपास के देश हैं। नॉर्थ सी में वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाएगी कोई कंट्री। कौन सी कंट्री बनाएगी? अनाउंस किया एक कंट्री ने। निशांक का आंसर नॉर्वे है। बाकी ज्यादातर बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो, कुछ लोगों का नॉर्वे आ रहा है, डी आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए, डेनमार्क। राइट आंसर इज डेनमार्क बच्चों, राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क इज द राइट आंसर, याद रख लेना। राइट आंसर इज डेनमार्क। नॉर्वे भी वही है, डेनमार्क भी वही है, आमने सामने है दोनों। डेनमार्क इज द राइट आंसर। डेनमार्क ने, मैंने ये न्यूज आपको पढ़ाई थी, ये न्यूज मैंने आपको करवा रखी है। डेनमार्क इज द राइट आंसर, भूल जाते हैं हम लोग साल भर के करंट के अंदर। डेनमार्क इज द राइट आंसर। फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी में डेनमार्क बनाएगा, उसने अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन का आंसर, 14 क्वेश्चन का आंसर बच्चों। बच्चों काफी थोड़ा पुराना हो गया लेकिन है इसी साल का, 25 जनवरी 2021 का है। 25 जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। और इसमें यह बताया गया था कि जो है कोई ऐसा देश है जो कि 2000 से 2019 के बीच में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई कंट्री रही 2000 से 2019 के बीच में, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तूफान आना, हीट वेव चलना, इन सब चीज़ों से जो देश सबसे ज़्यादा बर्बाद रहा वो कौन था, इस रिपोर्ट में बताया गया उसके बारे में, जिसने सबसे ज़्यादा वेदर कंडीशंस को झेला है। बच्चों इसका आंसर होगा डी, तीनों देश हैं। इन तीनों देशों का इसमें नाम लिया गया, प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती, इन तीनों देशों का नाम लिया गया। ये तीनों देश 2000 से 2019 के बीच में, इस रिपोर्ट में कहा गया, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सबसे ज़्यादा बर्बाद या अफेक्टेड रहे प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का आंसर दो। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो मुझे आंसर। यूपी PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो यशस्वी जी हैं उन्होंने फरवरी 2021 में यूपी के अंदर महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का उद्घाटन किया था, किस डिस्ट्रिक्ट में किया था? यशस्वी जी ने फरवरी 2021 में जो है महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा था, किस डिस्ट्रिक्ट में रखा था? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में रखा था? तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार यूपी में आ सकता है क्वेश्चन। फरवरी का है तो थोड़ा भूलने भी लगे होंगे लोग, लेकिन वो यूपी का एक साल का पूछेगा ही पूछेगा, करंट तो पूछ सकता है। तो 16 का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, कहाँ रखा था यशस्वी जी ने? तो ये यशस्वी जी ने ये पत्थर रखा था, वो रखा था बहराइच में बच्चों, बहराइच में। ठीक है, इसी साल की खबर है, फरवरी 2021 की खबर है। यूपी आए थे यशस्वी जी और तब उन्होंने रखा था बहराइच में। सो बी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा प्रोग्राम, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? निष्ठा देखो IES में भी क्वेश्चन था निष्ठा पर, निष्ठा पर IES UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था निष्ठा पर, UPPCS में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? क्या है बता दूंगा, बट लॉन्च किस मिनिस्ट्री ने किया तुम बता दो। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम इस साल, ये पहले जो है ऑफलाइन चल रहा था, ये निष्ठा प्रोग्राम ऑफलाइन चल रहा था, अब ये ऑनलाइन हुआ। मैं खुद इसका पार्ट रहा हूँ निष्ठा प्रोग्राम का, मैंने इसमें ट्रेनिंग दी है, 5500 लोगों को ट्रेनिंग दी है मैंने इसमें। यस, सी इज द राइट आंसर बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। निष्ठा प्रोग्राम टीचर्स को इफेक्टिव टीचिंग की ट्रेनिंग है, निष्ठा प्रोग्राम टीचर्स के लिए इफेक्टिव टीचिंग की ट्रेनिंग है। तो मैंने कुछ 5500 गवर्नमेंट टीचर्स को ये ट्रेनिंग में एक दिन का लेक्चर दिया है, 5 दिन का प्रोग्राम था, 5 दिन में से एक दिन का फाइनल 5th डे का लेक्चर मेरा, मैंने 5500 टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को लेक्चर दिया है 5th डे निष्ठा प्रोग्राम में, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए और गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स के लिए प्रोग्राम था। अब ये ऑनलाइन पैंडेमिक में ऑनलाइन लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। यस, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया यामिनी, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, तब जब था ये तब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, 18 क्वेश्चन का आंसर दो। यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला थ्रू बांग्लादेश। कोलकाता पोर्ट से इंडिया के अगरतला, ये कोलकाता है, ये इंडिया का अगरतला है, इनके बीच में बांग्लादेश के पोर्ट से होकर के अगरतला सामान भेजा गया। बांग्लादेश के पोर्ट को यूज किया गया, बांग्लादेश के किस पोर्ट को यूज किया गया? चिटगोंग, मोंगला, चट्टोग्राम और पायरा। ये मतलब एक अपने में यूनिक इवेंट है कि भारत से, भारत में सामान भेजा जा रहा है किसी तीसरे देश से होकर के, किसी अदर कंट्री से होकर के, इंडिया से इंडिया में सामान भेजना है, एक सेकंड कंट्री से होकर के वो सामान जा रहा है। कौन से पोर्ट से जा रहा है? बांग्लादेश के किस पोर्ट से? इंडिया के कोलकाता से इंडिया के अगरतला को सामान भेजना है और भेजा गया है बांग्लादेश, वाया बांग्लादेश। छोटा पड़ता है ना, कोलकाता से पूरा एक लंबा रास्ता लेकर के जाना पड़ेगा अगरतला, और यहां से ये छोटा पड़ जाता है। राइट आंसर है बच्चों मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट को, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को यूज किया गया कोलकाता से अगरतला। ये यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया कंटेनर शिप जो कलकत्ता से चलेगा बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट से, और फिर सामान जो है वहां से अगरतला जाएगा। मैं आपको रूट दिखा देता हूं, ये देखिए, ये है मोंगला पोर्ट और ये है अगरतला, और यहाँ कहीं कोलकाता समझ लीजिए। नाउ कोलकाता से मोंगला पोर्ट भेजा गया और मोंगला पोर्ट से अगरतला चला गया, वरना क्या होता, वरना यहाँ से ये पूरा घूम फिर करके ऊपर, पूरा घूम फिर करके ऊपर 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 पूरा घूम करके पूरा ऐसे जाना पड़ता, तो बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता। अब रास्ता छोटा हो गया है अगरतला जाने के लिए, तो आपस में देश लोग कोऑपरेट करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, मोंगला पोर्ट इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सी नहीं होगा बेटा कुमार, किसका आंसर सी बता रहे हो तुम? 17 का सी बता रहे हो, क्या है 17 क्वेश्चन? हाँ 17 का सी होगा कुमार। कुमार तुम्हारी वो जो है गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है, उसे फास्ट करो, थोड़ा एक गियर बढ़ाओ, चलो थोड़ा सा पीछे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन का आंसर दो। एट विच प्लेस डिड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ पुलिस म्यूजियम ऑन चंबल डकैत? चंबल के डकैतों पर एक पुलिस म्यूजियम बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो वो जो है किस जगह बनाया गया है? अलग सा यूनिक सा है ना, डकैतों पर म्यूजियम, चंबल के डकैत के ऊपर म्यूजियम बनाया गया है। चंबल के डकैत के ऊपर म्यूजियम बनाया गया है मध्य प्रदेश द्वारा किस डिस्ट्रिक्ट में? तो कोई ग्वालियर कह रहा है, कोई भोपाल कह रहा है। डी आंसर ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं, लेकिन यामिनी ने अब ए लगा दिया और कोमल ने भी ए बता दिया है और ए ही राइट आंसर है। भिंड इज द राइट आंसर। बच्चों भिंड के डकैत बहुत ही, भिंड मुरैना के डकैत बहुत खतरनाक हुआ करते थे। भिंड इज द राइट आंसर। ग्वालियर के पास पड़ता है भिंड, बट भिंड इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर के पास भिंड पड़ता है बट भिंड इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। और भिंड के डकैत जो है वो चंबल का इलाका है पूरा। पान सिंह तोमर, यस बिल्कुल कुमार, सही जवाब वही है। तो भिंड में डकैतों पर म्यूजियम बनाया है पुलिस ने, पुलिस म्यूजियम है डकैतों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो, 22वां क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान रखना। द डेथ वैली, अ डेजर्ट वैली, रिसेंटली मेड इंटरनेशनल हेडलाइन फॉर रिपोर्टिंग इट्स हॉटेस्ट टेम्परेचर सिंस 1913। डेथ वैली का टेम्परेचर 1913 के बाद सबसे ज़्यादा देखा गया, 1913 के बाद। अब इतने साल बाद अगर आप देखें तो 100 साल बाद डेथ वैली में हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया। तो वो 1913 के बाद का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेथ वैली में देखा गया, तो वो चर्चाओं में आई थी, यानी बहुत गर्मी पड़ी डेथ वैली में। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन सिंपल है, डेथ वैली है कहाँ? क्वेश्चन सिंपल है, डेथ वैली है कहाँ? डेथ वैली कहाँ पर है? मुझे स्टेट का नाम और बताओ, चैट बॉक्स में स्टेट का नाम बताओ कि किस स्टेट में है। आंसर सही है बी, यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए इज द राइट आंसर। स्टेट कौन सा होगा डेथ वैली का? डेथ वैली किस स्टेट में पड़ेगी? डेथ वैली उसी स्टेट में पड़ेगी जिस स्टेट में सिलिकॉन वैली है। डेथ वैली भी उसी स्टेट में पड़ती है जिस स्टेट में सिलिकॉन वैली है। स्टेट सेम है, दैट इज कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज द स्टेट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 23वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। बच्चों एक प्रदेश की सरकार ने सांस प्रोग्राम लॉन्च किया। सांस, सांस की फुल फॉर्म पूछ सकता है और किस प्रदेश ने लॉन्च किया ये पूछ सकता है। सांस प्रोग्राम, सांस। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि निमोनिया के कारण, पूरा कोविड टाइम में निमोनिया की प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस है प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म। किस स्टेट ने लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। बच्चों मध्य प्रदेश ने सांस प्रोग्राम, सांस कैंपेन लॉन्च किया था। अच्छा कैंपेन था फरवरी 2021 में, क्योंकि कोविड से लोग जो मरे हैं एक्चुअली वो निमोनिया से मरे हैं। कोविड में जिन लोगों की डेथ हुई है वो एक्चुअली या तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है या निमोनिया से डेथ हुई है। तो निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में सांस कैंपेन लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन का आंसर दो। 24वां क्वेश्चन का आंसर देना, अपनी ड्यूटी निभा देना। बच्चों सेशन में अपनी अटेंडेंस लगा देना लाइक और शेयर करके। सेशन में अपनी अटेंडेंस लगा देना लाइक शेयर करके। किस स्टेट ने, कौन सा स्टेट देश का पहला स्टेट बना जिसने ई कैबिनेट बनाई, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, यानी कि मिनिस्टर्स आपस में ना मिलकर के मिनिस्टर्स ने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी मीटिंग्स वगैरह सब करी। पहला स्टेट, देश का पहला स्टेट जिसने अपनी ई कैबिनेट बनाई, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रिमंडल। देश का पहला स्टेट, एक ने भी अगर यूपी लिखा होता तो तुम लोग यूपी लगा देते ना, वैसे यूपी है नहीं इसलिए तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन कम है ना। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला प्रदेश बना जिसने ई कैबिनेट इंप्लीमेंट की है, इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट इंप्लीमेंट की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन का आंसर दो। फिर से जो है बांग्लादेश चर्चाओं में है। What is the name of an uninhabited island in the Bay of Bengal that was in the recent news for serving as relocation center facility for Rohingya refugees? रोहिंग्या चर्चाओं में रहेंगे, रोहिंग्या मुस्लिम्स जिनकी हालत बहुत ख़राब है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ की, क्योंकि म्यांमार उन्हें अपने यहाँ नहीं ले रहा, बांग्लादेश अपने यहाँ नहीं ले रहा, भारत अपने यहाँ नहीं ले रहा, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को बसाने के लिए एक आइलैंड का इस्तेमाल किया गया, उनको जगह देने के लिए, टिकाने के लिए एक आइलैंड का इस्तेमाल किया गया। कौन से आइलैंड का? रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को एक आइलैंड पर शिफ्ट किया गया, कुछ रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को एक आइलैंड पर शिफ्ट किया गया। कहाँ पर? यस कुमार बिल्कुल सही, एक आइलैंड में शिफ्ट किया गया रोहिंग्या रेफ्यूजीज को। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। राइट आंसर है बच्चों भाषण चार, राइट आंसर है भाषण चार, भाषण चार आइलैंड, भाषण चार आइलैंड याद रखना, भाषण चार आइलैंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही राजू, भाषण चार आइलैंड बांग्लादेश। रोहिंग्या रेफ्यूजीज को जो है शिफ्ट करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए भाषण चार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन का आंसर दो, 27 क्वेश्चन का आंसर दो। वॉश पूछ सकता है, वॉश प्रोग्राम के लिए अभी एक देश को 200 मिलियन डॉलर की मदद की है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मदद हुई है, 200 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए हैं किसी देश को वर्ल्ड बैंक के द्वारा वॉश प्रोग्राम के लिए। वॉश प्रोग्राम है वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोग्राम, वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोजेक्ट। तो ये वॉश प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी मदद की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन डॉलर दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक देश को। किसको किसको दिए गए हैं? आंसर बताइएगा। शालू के हिसाब से आंसर है बी यानी बांग्लादेश, मधु का बी, अहमद का बी। आप लोग ऐसे मैच कर लेते हो क्या? बी फॉर बांग्लादेश, बी से बी मैच हो रहा है तो यही होगा है, राजू का बी। बिल्कुल सही जवाब, बी से बी मैच हो रहा है, बी फॉर बांग्लादेश और बी ऑप्शन है ना। चलो राइट आंसर है बांग्लादेश बच्चों। वॉश प्रोग्राम बांग्लादेश का प्रोग्राम है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन प्रोजेक्ट, और इसके लिए 200 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किए हैं 2021 में, फरवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। लास्ट जो बजट, अगला बजट तो अभी पेश होगा, इस साल का जो हमारा बजट पेश हुआ 2021-22 का, फरवरी में बजट पेश हुआ था, तो इस साल का जो यूनियन बजट पेश हुआ उसमें जो है बजट के कुछ पिलर्स बताए गए हैं। पिलर्स ऑफ यूनियन बजट किसको कहा गया? इनमें से कौन सी बात को पिलर्स ऑफ यूनियन बजट माना गया? 2021-22 का जो भारत का बजट बना उसमें पिलर्स ऑफ यूनियन बजट किसको कहा गया? यानी कि जिस पर वो बजट टिका हुआ है, यानी जिस पर वो फोकस कर रहा है, जिस पर वो टिका हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। एक ऑप्शन देता हूं कि डी नहीं होगा, अब लगाओ। डी नहीं होगा, कोई एक होगा। डी नहीं है मतलब किसको बोला गया? यार ये लॉजिक से तो सारे होंगे, हमेशा ही होंगे, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट में किसको बोला गया पिलर ऑफ यूनियन बजट? इस बार के यूनियन बजट में पिलर्स ऑफ यूनियन बजट में किसको बोला गया? बच्चों राइट आंसर है ए, हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग, कोरोना का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ और वेलबींग को बोला गया, क्योंकि इस बार कोविड ने सारा बजट बिगाड़ दिया था ना, कोविड ने सारा बजट बिगाड़ दिया था, हेल्थ सिस्टम की वजह से सब कुछ कोलैप्स कर गया था, इसलिए हेल्थ एंड वेलबींग। बात समझ में आती होगी ना इस बार के बजट में, हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर, याद रख लेना, आ सकता है इस बार का, इसी बार के बजट की बात है। आशु श्रीशांत, हेलो श्रीशांत, यस आशु बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी 2021 के अंदर बच्चों फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया है। इस साल से फास्टैग मैंडेटरी हो गया है ना। फास्टैग जिसमें जो आप जो है टोल प्लाजा वगैरह पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पास हो जाएगी, पैसा आपका ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। वो स्टिकर लगाना है फास्टैग का। फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी पूछ रखा है आप लोगों से क्वेश्चन। फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, साल भर के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कोई ना कोई तो पूछा ही होगा। फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, फास्टैग की टेक्नोलॉजी है बच्चों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग की टेक्नोलॉजी इंडिया में नई चीज है और काफी अब तेजी से बढ़ी और कंपलसरी हो गई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सो राइट आंसर इज बी, RFID। बी इज द राइट आंसर, RFID। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा फास्टैग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन का आंसर दो। जो यशस्वी जी हैं उन्होंने बच्चों कंट्री को एक फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दिया, मतलब देते ही हो तो भारत को हर समय कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, भारत के लिए वो बहुत कुछ काम कर ही रहे हैं। और हमें, हम तो मतलब सोचते कोई आदमी इतना कुछ अपनी देश की जनता को कैसे दे सकता है। फ्री वैक्सीन दे दी उन्होंने, भले ही 35 रुपये वाला पेट्रोल उन्होंने 120 कर दिया है, अब 120 पहुँच गया, किसी शहर में आज 120 पहुँच गया पेट्रोल, तो उन्होंने 120 कर दिया है, भले ही 35 रुपये जो देना था, लेकिन उन्हें वैक्सीन फ्री दी है। और आज जो है सरकारी पक्ष, सब जगह सरकार के लोग न्यूज़ चैनल पर यही कह रहे हैं कि इसीलिए इसी आड़ में कर रहे हैं कि हम, आपको महंगा पेट्रोल दिख रहा है, आपको फ्री वैक्सीन नहीं दिख रही है। अगर आप पेट्रोल 35 वाला 120 में बेच करके वैक्सीन दे रहे हो तो फिर वैक्सीन फ्री कहाँ है, फिर फ्री वैक्सीन कहाँ है, वो तो पैसे आपने उधर से ले लिए। पेट्रोल तो भारत में हर कोई पेट्रोल यूज कर रहा है। चलो सही है, सही है, तो बस ये चीज है। तो यशस्वी जी ने जो है ना देश को दिया है सागरिका, पहला क्रूज टर्मिनल, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दिया है सागरिका, याद रखना, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दिया है सागरिका। ठीक है, सागरिका इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दिया है। अच्छा, उन्होंने उसमें उस पेट्रोल के पैसों से उन्होंने खर्चा करके अपने फ्री वैक्सीन के बोर्ड भी लगवा लिए हैं। हर चौराहे पे आपको एक बोर्ड मिल जाएगा जिसमें एक दाढ़ी वाले बाबा बैठे होंगे जो ये कह रहे हैं कि, और जिनको कोई एक आदमी धन्यवाद दे रहा होगा उस दाढ़ी वाले बाबा को कि आपका धन्यवाद, आपने हमको फ्री वैक्सीन दी, आपका धन्यवाद। उस बोर्ड का किराया, उसका छपना और उस चौराहे पर लगने का किराया, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का रेंट, वो भी उसी पेट्रोल के पैसे में से जा रहा है जिसमें धन्यवाद दिया जा रहा है उनको कि आपने फ्री वैक्सीन लगवाई। तो यस, सागरिका पोर्ट जो है, जो दिया है पहला, चलो काम की बात कर लेते हैं। कोचीन याद रखना, राइट आंसर इज कोचीन। बच्चों कभी कभी दिल दुख जाता है तो मैं बोल देता हूं, क्या करूं। कोचीन पोर्ट, कोचीन पोर्ट इज द राइट आंसर, कोचीन पोर्ट इज द राइट आंसर। बच्चों कोचीन पोर्ट पर इंडिया का पहला फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का रिबन काटा है, इसका नाम है सागरिका, हमारे यशस्वी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो। ऑन 20 जनवरी 2021 जो बाइडेन टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? ये आ सकता है क्वेश्चन ना, अमेरिका में इसी साल नया राष्ट्रपति बना है, अमेरिका को अकल आ गई है, तो अमेरिका अकल तो वहाँ भी क्या है, जो एक हर जगह पॉलिटिक्स में ऐसे ही लोग, एक जाएगा दूसरा गधाएगा। तो जो बाइडेन जो है अब वो बन गए हैं, उन्होंने अपने यहाँ से एक यशस्वी को हटाया है, तो कौन से नंबर के बने जो बाइडेन? ये भी कलाकारी लगता है मुझे वैसे, जो बाइडेन भी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन अमेरिका में? राइट आंसर है बच्चों 46 नंबर के, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये भाई साहब है, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। अब मुझे लगता है कहीं हमारे यशस्वी जी इनको देख करके अपने ऊपर से बाल और अपने दाढ़ी के बाल ना हटवाते हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। योवेरी मुसेवेनी ने अभी रिसेंटली छठी बार वो प्रेसिडेंट बने अपने देश के, छठी बार अपने देश के प्रेसिडेंट बने हैं, छठी बार देश के प्रेसिडेंट बने हैं भाई साहब। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यशस्वी जी को पता चल गया तो अपने हमारे यशस्वी जी जो है अपनी दाढ़ी और ये यहाँ ऊपर से बाल ना हटवा दें, ये सोच के क्या पता इससे कुछ हो जाए, सत्ता में छठी बार 6 बार तक बने रहने का मौका मिल जाए। ये किस देश के हैं? योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी छठी बार जो है, योवेरी मुसेवेनी छठी बार किसी एक अफ्रीकन कंट्री के 6 टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। कौन सी कंट्री के? जल्दी से आंसर बताइएगा। 39 का आंसर, 39 का आंसर। सी इज द राइट आंसर बच्चों, सी इज द राइट आंसर, रवांडा। सी इज द राइट आंसर, रवांडा बच्चों। आई थिंक रवांडा के हैं ये, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गया था, युगांडा के हैं, सॉरी बच्चों सॉरी, युगांडा इज द राइट आंसर, युगांडा के हैं बच्चों, ये युगांडा के हैं। योवेरी मुसेवेनी, योवेरी मुसेवेनी युगांडा के प्रेसिडेंट हैं, छठी बार युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं ये, छठी बार, 6 टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, 40वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। 40 बीच में ही रुक गई तुम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच 300-year-old हिस्टोरिक टेम्पल ऑफ बांग्लादेश वॉज रिसेंटली रिकंस्ट्रक्टेड विद इंडियन असिस्टेंस? अभी मंदिरों पे हमले के, अभी तो रिसेंटली खबर आई थी बांग्लादेश से, पर कुछ टाइम पहले उसी बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन की न्यूज भी आई थी। मैं तो ये सोच रहा हूं 6 बार बन जाएंगे तो पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी ऋषभ? चलो इसका आंसर बताओ, कौन सा मंदिर था जिसको रिकंस्ट्रक्ट इंडिया की असिस्टेंस से, बांग्लादेश में एक 300 साल पुराना मंदिर है जिसको इंडिया की मदद से बांग्लादेश में रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और अभी तो खैर अच्छी खबर नहीं आई बांग्लादेश से, खराब खबर आई है कि वहाँ पर टेम्पल्स वगैरह पर हमले हुए हैं, लेकिन ये खबर कुछ समय पहले की ये भी खबर आई थी। ठीक है, ये तो रिसेंट आई है जीनियस, लेकिन कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि वहाँ पर इंडिया की मदद से एक मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल, 300 साल पुराना टेम्पल है ये, श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस किसी ने भी अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो, सेशन अटेंडेंस दर्ज ना की हो तो कर दे भाई। अहमद, अब पता नहीं जो भी सच्चाई है क्या है, बट आजकल ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है ना। 42वां क्वेश्चन बच्चों। The book titled Connecting, Communicating, Changing is based on years of office of which Indian leader? अभी एक लीडर के कार्यकाल, एक लीडर के अपने पद पर जो उसका कार्यकाल था उस पर एक बुक लॉन्च की है उसके डिपार्टमेंट ने। अभी एक लीडर के कार्यकाल पर एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। किस लीडर के टेन्योर पर यह बुक लॉन्च की गई है? C इज द राइट आंसर। यस बच्चों, C इज द राइट आंसर, वेंकैया नायडू इज द राइट आंसर। वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने पर, अभी वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है वेंकैया नायडू के कार्यकाल के पूरा होने पर, अभी पूरा नहीं हुआ मतलब कार्यकाल मतलब उनके 3 साल के कार्यकाल पर ये बुक बनी है, उनके 3 साल के कार्यकाल पर ये बुक लिखी गई थी, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा वेंकैया नायडू के टेन्योर पर ये बुक है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछ चुका हूं लेकिन ये यूपी में भी आ सकता है। ठीक है, यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। कुमार तो बहुत ही पीछे चल रहा है कुमार। यंगेस्ट मेयर इन इंडिया कौन बनी? इंडिया में यंगेस्ट मेयर 21 साल की एज में मेयर बन गई, 21 साल की एज में मेयर बन गई, कौन? यस, ए इज द राइट आंसर बच्चों, याद रखना केरला के अंदर। ए इज द राइट आंसर, आर्या राजेंद्रन। केरल में आर्या राजेंद्रन इज द राइट आंसर। यस, केरल में आर्या राजेंद्रन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 45वां क्वेश्चन का आंसर दो। ग्रैंड रेनेसां डैम चर्चाओं में था, इस पर एक डिस्प्यूट चल रहा था, ये किस कंट्री में लोकेटेड डैम? ग्रैंड रेनेसां डैम पर डिस्प्यूट चल रहा था, किस कंट्री में लोकेटेड है ये डैम? ग्रैंड रेनेसां डैम किस कंट्री में लोकेटेड है? अभी इस पर डिस्प्यूट था, कुछ कंट्रीज में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है इस डैम को लेकर। ये डैम कहाँ है, किस देश में ये डैम है? ग्रैंड रेनेसां डैम। 45वां का आंसर दो। यस, इथियोपिया इज द राइट आंसर बच्चों। इथियोपिया और सूडान में कंफ्लिक्ट था, इसको लेकर के। इथियोपिया इज द राइट आंसर। ग्रैंड रेनेसां डैम इथियोपिया इज द राइट आंसर। यस, इथियोपिया में है, न्यूज में था, चर्चाओं में था डिस्प्यूट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन का आंसर दो। यूएस आर्मी का ऑफिस है पेंटागन, जो उनका हेडक्वार्टर है, यूएस आर्मी का हेडक्वार्टर पेंटागन। वहां पे एक इंडियन अमेरिकन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना, उसका नाम क्या है? एक इंडियन अमेरिकन, एक इंडियन यूएस आर्मी के हेडक्वार्टर में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना, कौन? चर्चाओं में आया था। एक इंडियन अमेरिकन यूएस आर्मी के हेडक्वार्टर पेंटागन में जो है, जुलाई 2020 में तो ये पोस्ट क्रिएट हुई थी, बना भी है, तो इसी साल बना है, कौन बना है? 47 का आंसर दो। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन पेंटागन एक इंडियन बना है, कौन? और ये नया पोस्ट क्रिएट हुई थी और इस पोस्ट पर एक इंडियन अमेरिकन को बैठाया गया है। 47 का आंसर बिल्कुल सही जवाब, जो इन लोगों का भी आ रहा है, कुछ लोग 6 का दे रहे हैं, कुछ लोग 7 का दे रहे हैं, बड़ा कंफ्यूज हूं मैं। 7 का आंसर है बच्चों, 47 का आंसर, 47 का आंसर है बी, डॉक्टर राज अय्यर। बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राज अय्यर इज द राइट आंसर बच्चों, डॉक्टर राज अय्यर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला जेंडर पार्क कहां बना? ये इस पर मैम ने एक शॉर्ट भी दिया था आपको, सीमा मैम ने एक शॉर्ट दिया था इस पर, अभी 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो दिया था। इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क कहां बना? इस पर शॉर्ट वीडियो आया था अभी, सीमा मैम का 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो। एक शॉर्ट वीडियो आज मैंने भी डाला था, मैं तो थोड़ा जीके वाला कम डालता हूँ, जीके क्योंकि मैं यही बहुत करा देता हूँ, तो 1 मिनट के वीडियो तो मैं जीके वाले नहीं डाल रहा, मैं थोड़े से कुछ दिल की बातें डाल देता हूँ, है ना। तो आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा वो। एक विवेकानंद की एक बात मैंने आज शेयर की थी आप लोगों से, क्लास में पढ़ाया था मैंने जब विवेकानंद को, तो उसी में से एक क्लिपिंग शेयर की थी। इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क कहाँ बना है? तो कुछ लोगों ने बी लगा रखा है, कुछ लोगों ने डी लगा रखा है। हाँ कुमार, यस कुमार, आपने तो कमेंट भी किया है, मैंने कमेंट पढ़ा है आपका, कमेंट तो मैंने पढ़ा है, देखा है मैंने कमेंट आपका। यस, तो राइट आंसर है बच्चों, फर्स्ट इंडिया का पहला जेंडर पार्क बना है तिरुवनंतपुरम में, केरला में। बच्चों केरल में फर्स्ट जेंडर पार्क केरल में बना है। एक शॉर्ट वीडियो सीमा मैम का इस पर है 1 मिनट का, आप देख लेना। केरल में बना है इंडिया का पहला जेंडर पार्क। जेंडर पार्क का मतलब है कि वहां पर सारी महिलाओं की को वुमेन एम्पावरमेंट की एक्टिविटी कराई जाएगी। वहां पर सारी एक्टिविटीज वुमेन एम्पावरमेंट की एक्टिविटीज होंगी। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि डेडिकेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट की एक्टिविटीज के लिए। डी इज द राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। थैंक यू ऋषभ। कुछ अगर आपको ऐसी लाइनें लगती हैं बच्चों, जैसे विवेकानंद मैंने शेयर किया, इस तरह की लाइंस में शेयर करता हूं, तो उनको शेयर भी कर दिया करो ना फेसबुक वगैरह पर अपने, क्योंकि ऐसी बातें तो मैं चाहता हूं हर किसी तक पहुंचे। मेरा मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि विवेकानंद की ये बात हर आदमी तक पहुंचे, हर आदमी सीखे उनसे, उन्हीं से इंस्पायर हो जाए, विवेकानंद से इंस्पायर होकर के वो काम करें। तो कम से कम उसे तो आप अपनी फ्रेंड सर्किल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं ना। सोशल, ये भी एक तरह की सोशल सर्विस है। अगर आप अच्छे आइडियाज समाज में फैलाते हो, बुरी बातें तो बहुत जल्दी फैलती हैं समाज के अंदर, जो बिलो द बेल्ट जोक्स होते हैं वो बहुत तेजी से समाज में फैलते हैं, पर इन महापुरुषों की ऐसी बातें समाज में फैलनी चाहिए ना। तो आप उसे वायरल करने में, उसे फैलाने में तो मदद करो, जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें वो बातें। वरना बुरी बातें जब फैलेंगी और अच्छी बातें 1-2 जगह ही दब जाएंगी, तो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएंगी। यस नाउ बच्चों, हाँ बच्चों, रिपब्लिक डे परेड पर किस प्रदेश की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया? रिपब्लिक डे परेड पर किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया? रिपब्लिक डे पर झांकियां निकलती हैं, तो किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला, किस स्टेट की झांकी को? 49 का आंसर सबका डी है। देखो ये भी यूपी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे भी हम लोग झांकी वाकी बनाने में तो हम हैं ही, खैर बहुत अच्छे है ना, कल्चरल काम तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत अच्छा होता है ना, सारे दिन हम सांस्कृतिक काम ही करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर बच्चों, उत्तम प्रदेश। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कल करेंगे, कल फिर करेंगे क्वेश्चन। कल फिर 2 क्लास लूंगा, कल एमसीक्यू की क्लास भी लूंगा और जीके की भी, और करंट अफेयर की क्लास भी लूंगा, दोनों लूंगा। कल भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीक से फिर करंट अफेयर शो कराना शुरू कर दूंगा, नेक्स्ट वीक से करंट की न्यूज पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी बस प्रैक्टिस करा रहा हूं 1 साल की। कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी बनी इंडिया की जो कोरोना वायरस फ्री बनी? फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 2 फरवरी 2021 को अनाउंस हुआ था। फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट कोविड फ्री यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी कोविड फ्री अनाउंस हुई? यस, राइट आंसर इज सी बच्चों, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सी इज द राइट आंसर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस बच्चों, ठीक है, तो ये थे कुछ 33 क्वेश्चंस मैंने आज आपके कराए हैं, 33 क्वेश्चंस थे। अच्छा ऋषभ, ये नहीं पता मुझे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, चैट बॉक्स में ब्लू कलर का लिंक मिला हुआ है, उससे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप। हमारे सिविल एकेडमी IAS को टेलीग्राम चैट बॉक्स में देखिए ब्लू कलर का लिंक है, वेबसाइट को ज्वाइन करिए। वेबसाइट पर डेली स्टडी मटेरियल सेक्शन से करंट अफेयर्स के नोट्स आप ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं, तो इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। सिविल एकेडमी IAS PCS के फेसबुक पेज को जोड़िए, इसके हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़िए बच्चों। और बाकी तो आप लोगों को पता है, किसी को सर को चाय पकौड़े का नाश्ता कराना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आओ चाय पकौड़े का नाश्ता साथ में बैठ के करेंगे, है ना। तो ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर्स है। थैंक यू, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। मन लगा के पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास में बने रहो। क्लास थोड़ी भी फ़ायदेमंद लगी हो, आई होप आपको आज की क्लास फ़ायदेमंद लगी होगी, थोड़ी भी फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस क्लास को। जो हमने शॉर्ट वीडियोस डाले देखिए, आप लोगों के लिए बनाते हैं बहुत मन से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये बहुत ज़रूरी काम है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें हमारे। थैंक यू एंड गुड नाइट। इस तरीके से पढ़ करके सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। कुछ लोग हमारे बिना पढ़े भी उन्हें अच्छी नींद आ जाती है, तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो सो चुके होंगे उन्हें बिना पढ़े भी अच्छी नींद आ जाती है। एक्चुअली सारी बात ये है। गुड नाइट, चलिए।